Hey class 9, so there was no video from last 2 days because I was ill. But today I'm going to start the topic. I have already told you about disease. What is disease? And what are the factors that causes disease? The internal factors, the external factors. Today I'm going to tell you about the categorization or classification of diseases. Okay? The diseases, again we have two types in a general basis. One is congenital, the other one is acquired. ओके क्लियर. क्लासिफिकेशन देख लो. कॉन्जेनिटल एक है, दूसरा है एक्वायर्ड. एक्वायर्ड और डिवाइड होगा कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल में. कम्युनिकेबल को और डिवाइड करेंगे कंटाजियस नॉन कंटाजियस में. नॉन कम्युनिकेबल का भी और वैरायटी है, डेफिशिएंसी डिजीज, मेटाबॉलिक डिजीज, डीजेनरेटिव डिजीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और इंजुरी. क्लियर, समझ में आया. मेटाबॉलिक एक्टिविटी लिखा है, मेटाबॉलिक एलर्जी दे दो इसको, बेटर रहेगा. मेटाबॉलिक एलर्जी कर देना इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो लेट मी स्पीक अबाउट इट. कॉन्जेनिटल मीन्स इट इज बर्थ राइट. कॉन्जेनिटल मतलब कमिंग विथ योर जीन, मीन्स पैदा होते ही पैदा होने के साथ. क्लियर, तुम पैदा हुए, तुम डिजीज लेके पैदा हुए. सच टाइप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एज कॉन्जेनिटल डिजीज. ऐसा कौन सा डिजीज है जो पैदा होते ही इंसान को हो जाता है? बहुत सारा, जैसे कि लिख रहा हूँ कॉन्जेनिटल का, जे कॉन्जेनिटल एग्जाम्पल दे रहा हूँ. सबसे पहला वाला रहेगा योर कलर ब्लाइंडनेस. ओके, दूसरा आता है सिकल सेल एनेमिया, लिवर डिसफंक्शन. ऐसा कुछ डिजीज है जो कि रेयर होता है, लेकिन लाख लोगों में एक लोग को ये प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम्स, लेकिन होता जरूर है. ये पैदा होते ही रहता है इनके में, बाद भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम हम देखेंगे ये डिजीज सब पैदा होते ही, सिंस बर्थ, पैदा होने के साथ साथ ये डिजीज भी उनके साथ होता है. समझ में आ रहा है, गेटिंग माई पॉइंट. और क्या होता है यहाँ पे, क्या क्यों ऐसा डिजीज होता है? बिकॉज दे हैव एनाटोमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर. व्हाट डू मीन बाय एनाटोमिकल? लाइक तो एक और चीज, पोलियो, पोलियो भी होता है पैदाइशी. एनाटोमिकल मतलब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, स्ट्रक्चरल. ओके, URL, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम. जो पोलियो है वो, उसमें क्या होता है, हाथ और पैर मुड़ जाते हैं पोलियो वायरस के वजह से. दैट इज योर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, स्ट्रक्चरल डिजीज, स्ट्रक्चरल कॉन्जेनिटल डिजीज और एनाटोमिकल कॉन्जेनिटल डिजीज. फिजियोलॉजिकल मतलब फंक्शनल, तुम्हारा कोई पार्ट शुरू से ही फंक्शन नहीं, तुम्हारा ब्लड में फंक्शन का प्रॉब्लम है तो हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया, या हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस, वो फंक्शन काम नहीं करता. समझ में आ रहा है, एनाटोमिकल और फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज की वजह से ऐसा डिजीज होता है. दिस डिजीज आर परमानेंट, पैदाइशी है मतलब वो लाइफ टाइम रहता है जनरली, जनरली, और ये क्योर नहीं हो सकता. क्लियर, तीन कैरेक्टर है याद रखो. इट इज परमानेंट, जनरली अनक्यूरेबल एंड मे बी कैरियड टू चिल्ड्रेन. किसी ए को है, सोचो तो उसका बच्चा अगर बी है तो इसको ये बच्चा है, जब ये बड़ा हो जाएगा इसको वो सिकल सेल रहता है और ये अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकता है, कैरियड टू चिल्ड्रेन. क्लियर, समझ में आ रहा है. ये है तुम्हारा कॉन्जेनिटल डिजीज. एक्वायर्ड क्या है, याद दिया है कॉन्जेनिटल और एक एक्वायर्ड. एक्वायर्ड मीन्स व्हाट? जो तुम खुद डेवलप करते हो आफ्टर बर्थ. बर्थ के बाद तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हारा खाना पीना, योर बॉडी कंडीशंस या तुम्हारा एनवायरमेंटल कंडीशन, इसके वजह से होता है. तुम्हें पैदाइशी हेडेक नहीं था, तुम ज़्यादा नहाए, तुमको पैदाइशी सर्दी नहीं था,
तुम लोग आइसक्रीम खाए सर्दी हो गया, नो इश्यूज। तुम्हारा पैदाइशी लिवर ठीक था, तुम्हारा पैदाइशी किडनी ठीक था, तुमने शराब पी पी के खराब कर दिया उसको। दैट्स योर प्रॉब्लम। इट्स एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब पाना, हासिल करना। ये डिजीज तुम खुद हासिल करते हो पैदा होने के बाद। क्लियर? ओके, नाउ एक्वायर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, मेनली कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का दूसरा नाम है इन्फेक्शियस। कम्युनिकेबल का दूसरा नाम है इन्फेक्शियस। कम्युनिकेबल मीन्स विच कम्युनिकेट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। किसी पर्सन को हुआ है इन्फेक्शन, कोरोना किसी को हुआ है, वो ये इन्फेक्टेड पर्सन है, मैं हेल्दी हूँ, मैं मिलूँगा तो कम्युनिकेट करेगा, मुझे हो जाएगा। तो एक अनहेल्दी पर्सन या इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को होता है ट्रांसफ़र, तब बोलते हैं इसको कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल किसको बोलेंगे? जो ट्रांसफ़र नहीं होगा। हेडेक मेरे को हो रहा है, हेडेक, मैं तेरे साथ बात करूँगा, तुम्हारे साथ, तो मुझे हेडेक होगा क्या? नहीं होगा। कोरोना हुआ है तो होगा, हेडेक हुआ है तो नहीं हुआ होगा। कोरोना हुआ है, सर्दी हुआ है, जुकाम हुआ है तो होगा, कम्युनिकेबल है। हेडेक, स्टोमक एक, पैर का दुखना, हाँ ये सब नहीं होगा। खुजली होगा, कम्युनिकेबल है, खुजली कम्युनिकेबल है। समझ में आए? तो कम्युनिकेबल किस तरह से होता है? कम्युनिकेबल दो तरीके का होता है, एक कॉन्टाजियस, दूसरा है नॉन कॉन्टाजियस। सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, दो डिजीज का नाम ले रहा हूँ, एक है कॉमन कोल्ड या कोरोना, दूसरा है टाइफॉइड। क्लियर? कॉमन कोल्ड में क्या होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। मैं तुमसे बात किया हूं, अभी बहुत पास रह के, तो कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा, फ्लू या कोरोना हो सकता है। क्लियर? वो है कॉन्टैजियस। डायरेक्टली अगर कोई जर्म्स उसके वजह से मुझसे आ गए, डायरेक्टली फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ या एयर हुआ इस कंडीशन में, तो कॉन्टाजियस है। नॉन कॉन्टाजियस क्या है? किसी मीडियम के थ्रू तुम्हें मच्छर काटा, तो मलेरिया तुम्हें है, मैं बांस बैठ गया, होगा क्या? नहीं। तुम्हें अगर मलेरिया है, तुमसे अगर मस्कीटो लाया, मुझे काटा, तो होगा। यहां पे मीडियम चाहिए बड़ा, है कि नहीं? तुम्हें टाइफॉइड है, तुम्हारा जर्म्स अगर वाटर में रह गया, मैं वो पानी पी गया, तो मुझे टाइफॉइड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कॉन्टाजियस मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट और एयर। बाकी जितना इनडायरेक्ट वे है, वाटर, फूड, ये सब नॉन कॉन्टाजियस है, सब के सब नॉन कॉन्टाजियस है। तो कम्युनिकेबल दोनों जगह में ही हमारा जर्म्स पाए जाएंगे। यहाँ भी जर्म्स है, कोरोना का जर्म्स यहाँ भी है, कोरोना वायरस यहाँ भी है, यहाँ पे भी टाइफॉइड के लिए अलग वायरस है, अलग बैक्टीरिया है, सॉरी। दोनों जगह में ही वायरस या बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स हैं, लेकिन डायरेक्टली तुमको होता है तो कंटाजियस, डायरेक्टली तुमसे मुझको डायरेक्टली हो गया। अब मैं यहाँ पे खांस के गया हूँ तो तुम्हें आज एक घंटे बाद नहीं होने वाला, चिंता मत करो। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं, वाटर में तुम्हारा जर्म्स रह गया है, कोई आया तो हाँ वो होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? इसको पढ़ना अच्छे से, कहीं डाउट रहेगा तो पूछना मेरे को। क्लियर? नॉन कम्युनिकेबल देखो क्या है। नॉन कम्युनिकेबल में बहुत सारा तरह का डिजीज है, डेफिशिएंसी डिजीज। इफ़ यू आर नॉट ईटिंग प्रॉपरली मींस एनी काइंड ऑफ मिनरल और विटामिन विल बी लैकिंग इनसाइड यू। तुम्हारे बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट कम हो जाए, लाइक तुम्हारा अगर क्या बोलते हैं प्रोटीन कम हो गया, तो क्या हो जाएगा? क्वाशर कर, मरासमस, पढ़ाया था, देखो डेफिशिएंसी डिजीज यहाँ पे पढ़ाया था, पूरा दिया था तुमको इसको। कोई भी अगर विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट कुछ भी अगर कम होता है तो डेफिशिएंसी डिजीज होता है लंबे समय तक। ऐसा नहीं कि आज खाना नहीं खाया प्रोटीन वाला तुमको क्वाशर कर हो जाएगा, लंबे समय तक, महीना महीना, साल दर साल, तुम्हारा अगर वो न्यूट्रिएंट बॉडी में कम रहेगा तो यू विल फेस प्रॉब्लम। दूसरा, मेटाबॉलिक डिजीज। ऐसा एक डिजीज जो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ हो। मेटाबॉलिज्म मींस ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल फूड मटेरियल। अगर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ना हो तो क्या होगा? तुम्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, तो जो न्यूट्रिएंट तुम्हारे बॉडी में यूज नहीं होगा, अगर यूज नहीं हुआ तो तुम्हें, तुम्हारा ऑर्गन्स काम करना स्लो डाउन करेगा, बंद भी कर देगा। सो मेटाबॉलिक डिजीजेस आर सच डिजीजेस विच आर ऑकर ड्यू टू द प्रॉब्लम्स इन मेटाबॉलिज्म। प्रॉपरली खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन होगा, स्टोमक एक होगा, इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन होगा, डिसेंट्री हो सकता है। समझ में आ रहा है? डन। डीजेनरेटिव डिजीज, कोई भी ऑर्गन डीजेनरेट कर गया, मीन्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं किया।
या कोई सेल्स तुम्हारा डीन डिजेनरेट कर गया, वो पार्ट काम नहीं कर रहा, सेल्स मर गए उस पार्ट के, दैट विल कॉज डीजेनरेटिव डिजीज लाइक कैंसर, ट्यूमर, बॉडी में अनवांटेड सेल्स, मतलब सेल्स डेड हो जाएंगे और ग्रो कर जाएंगे, डीजेनरेशन हुआ, प्रॉपरली जनरेट नहीं हुआ, बुरी तरह का, बुरी तरीके से नेगेटिवली जनरेट हुआ, दिस इज कॉल्ड एज डीजेनरेटिव डिजीज। मेटाबॉलिक एलर्जी कर देना है इसको, तुम कुछ कुछ खाना खाते हो तो तुम्हें सूट नहीं करता, अगर मेटाबॉलिज्म में ऐसा मेटाबॉलिज्म हुआ कि तुम्हें वो सूट नहीं किया खाना, बैंगन सूट नहीं करता किसी किसी को, किसी किसी को आलू सूट नहीं करता, किसी को एग सूट नहीं करता, किसी को और कुछ सूट नहीं करता, अगर वो सूट नहीं करता विल क्रिएट सम प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक एलर्जीज। इंजुरी नॉर्मल, तुम गिर गए पैर टूट गया, तुम गिर गया सिर फूट गया भाई, घाव हो गया, ये कम्युनिकेट नहीं करता, इनमें कुछ भी लोग कुछ कम्युनिकेट नहीं करता, समझ में आया, गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके रखो, पढ़ना इसको, नोट्स दूंगा, थोड़ा समझो, नॉर्मल टॉपिक्स लो, क्वेश्चंस पक्का आएगा यहाँ पे कि ये डिजीज़ है कि नहीं ऐसा, वो डिजीज़ तो लगता है ऐसा है लेकिन यहाँ पे ऐसा एग्जांपल क्यों दिया गया है, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, नो प्रॉब्लम। डिजीज़ के बारे में भी कुछ जानना होगा तुम पूछ सकते हो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा डिजीज़ के बारे में, चिंता मत करो, लेकिन अगर तुम अभी कुछ जानना है, सर ये डिजीज़ को क्यों बोले, सर ये क्या ऐसा ऐसे में कम्युनिकेट नहीं होता क्या, क्या वैसे में कम्युनिकेट नहीं होता क्या, इफ़ यू वॉन्ट टू नो समथिंग अबाउट इट यू कैन आस्क मी फ्रेंकली, नो इशूज़, ओके, हैव अ गुड डे।